गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसी रेमेडी जो आपके यूरिक एसिड को दूर करने में हेल्प करेगी। यूरिक एसिड क्या होता है, ये किस तरह बनता है और इसे हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। यूरिक एसिड एक ऐसी भयंकर बीमारी है जो बहुत लोगों में देखने को मिल रही है, चाहे आप फीमेल हैं या मेल हैं, ये बीमारी किसी को भी हो सकती है और इससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी हो जाती हैं। यूरिक एसिड, अब मैं आपको बताती हूँ कि यूरिक एसिड होता क्या है। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में पाए जाने वाले तत्व की मात्रा जब तक हमारे बॉडी में संतुलित रहती है तो हमारी बॉडी बिल्कुल हेल्दी रहती है, लेकिन अगर इन्हीं तत्व की क्वांटिटी हमारी बॉडी में कम या ज़्यादा होने लगती है तो इसका असर हमारी बॉडी पर दिखाई देने लगता है। ऐसा ही एक तत्व है यूरिक एसिड, जो हमारी बॉडी में पाया जाता है। यूरिक एसिड भरने से गाउट रोग हो जाता है, गठिया रोग हो जाता है, या आप इसे अर्थराइटिस भी कह सकते हैं। ये एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है। इससे हमारी बॉडी के जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन रहने लगता है, जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यूरिक एसिड आखिर होता क्या है और इसके बढ़ने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। गाइज, आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा बाद में। अब मैं आपको बताती हूँ कि यूरिक एसिड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे तत्वों से मिलकर एक बना कंपाउंड होता है जो शरीर में प्रोटीन से अमीनो अम्लों के रूप में प्राप्त होता है। इसकी जो नॉर्मल क्वांटिटी होती है तो शरीर में यूरिन के साथ वो बाहर निकल जाती है, लेकिन अगर इसकी मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा बनने लगती है तो वो बाहर नहीं निकलती है और हमारी बॉडी में ही जमा होने लगती है और गठिया का रूप ले लेती है। अब आपको बताते हैं कि प्रोटीन से प्राप्त होने वाला इस यूरिक एसिड का निर्माण कैसे होता है। दरअसल अमीनो एसिड के संयोजन से प्रोटीन बना होता है और जब पाचन के दौरान प्रोटीन टूटता है तो इस प्रक्रिया में यूरिक एसिड बनता है। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी होता है ये तो आप गाइस सभी ही जानते होंगे। ये हमारी नई कोशिकाओं और ऊतकों के निर्माण में बहुत ज़रूरी होता है, साथ ही पुराने सेल्स की मरम्मत करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारा शरीर कमज़ोर होने लगता है, हमारा उठने का बिल्कुल दिल नहीं लगता है, थकान सी रहने लगती है, लेकिन अगर इसकी ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो ये हमारे शरीर के लिए भी बहुत नुकसानदायक होता है। अगर आपकी एज 30 प्लस है तो प्रोटीन का यूज़ लिमिट में करना चाहिए, वरना यह यूरिक एसिड का रूप ले लेता है। इसकी मात्रा बढ़ने लगती है और यूरिक एसिड की मात्रा छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में हमारे बोन्स के जॉइंट के आसपास जमा होने लगती है। ये क्रिस्टल बहुत ज़्यादा नुकीले होते हैं जो जोड़ों की चिकनी झिल्ली में चुभते हैं और हमारे जॉइंट्स में पेन होने लगता है और रात में ये पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सुबह उठने पर भी हमारे शरीर में अकड़न सी महसूस होती है, एकदम चला फिरा भी नहीं जाता, हमारी एड़ियों में और जो हमारे जॉइंट्स हैं उनमें पेन होता है बहुत ज़्यादा। इससे हमें किडनी स्टोन का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसमें हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। देखने को ये भी मिलता है कि जैसे अगर आपके यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो किडनी स्टोन हो जाते हैं या फिर आपको डायबिटीज़ हो जाती है या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो जाती है। और एक और बीमारी इससे हो जाती है कि हमारा वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, मोटापे के भी शिकार हो जाते हैं। तो गाइस, अब मैं आपको इसकी एक ऐसी रेमेडी बताऊंगी जो 10 दिन आप इसे यूज़ करेंगे तो आपका यूरिक एसिड कम हो जाएगा। तो गाइस, अब मैं आपके साथ वो रेमेडी शेयर करूंगी कि वो रेमेडी क्या है, उसमें हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी और हमें उसे किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से हमें उसे यूज़ करना है। तो यहाँ मैंने ये लिया है वाटर, मैंने इसे गरम कर लिया है। आपको बिल्कुल बॉयल नहीं करना है, जितना भी आप पी सकते हैं गरम उतना पानी आपको लेना है, तो इतना हम पानी ले लेंगे, पूरा गिलास भरकर हमें पानी नहीं लेना है, थोड़ा सा कम लेंगे। और उसमें हमें ये टर्मरिक ली है मैंने, 1/4 स्पून ये टर्मरिक है, देखिए गाइस, इसे हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और इसमें एक चीज़ हमें और मिक्स करनी है, ऐड करनी है, वो ये है 1/2 लेमन, इसका जूस हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही इजी रेमेडी है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा आपकी हेल्थ पर। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, ये हमारे यूरिक एसिड को जड़ से ख़त्म करने में कारगर है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमें सुबह में खाली पेट पीनी है। निहार, जब आप सुबह उठते हैं नाश्ते से पहले, ब्रेकफास्ट से पहले आपको ये ड्रिंक पीनी है। ये आपको डेली 10 डेज तक करना है। 10 डेज करने के बाद आप इसे 4-5
5 डेज के लिए छोड़ देंगे, लेकिन आपको 10 डेज बाद अपना यूरिक एसिड टेस्ट कराना है कि हमारा यूरिक एसिड कितना कम हुआ है। इससे आपका 10 डेज में ही यूरिक एसिड पर बहुत असर पड़ने वाला है, बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद आप इसे 4-5 डेज के लिए छोड़ देंगे और उसके 4-5 डेज के बाद आप इसे दोबारा रिपीट करेंगे इसी तरह 10 डेज के लिए। इस तरह से आपको कई बार इसे यूज़ करना है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। गर्म पानी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में, जो हमारे गंदे टॉक्सिन्स होते हैं उन्हें बाहर निकालने में हेल्प करता है। साथ ही इसमें जो मैंने टर्मरिक यूज़ की है, ये तो आप जानते ही होंगे कि टर्मरिक हमारी हेल्थ के लिए कितनी बेनिफिशियल होती है। हमारे स्किन से लेकर पेट की गड़बड़ी या कुछ भी आप सोच सकते हैं कि वो बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर करती है हमारी, और हमारे चेहरे पर भी निखार लाती है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। और इसमें जो मैंने नींबू का रस ऐड किया है, जो मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया है, वो भी बहुत अच्छा होता है हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में, वो भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप ये सुबह खाली पेट पियेंगे 10 डेज के लिए। उसके बाद आप इसे 4-5 डेज के लिए छोड़ देंगे और फिर दोबारा इसे रिपीट करना है। अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है या आपकी फैमिली में किसी को है या रिलेटिव्स में फ्रेंड्स में, तो प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये रेमेडी किसी के भी काम आ सकती है। मैंने एक रेमेडी और यूरिक एसिड की बताई थी, वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, चाहे तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ें आपके पास नहीं है मौजूद, तो ये चीज़ें आपके घर में किचन में इजीली मिल जाएंगी। तो इस रेमेडी को आप ट्राई करिएगा, बहुत इजी रेमेडी है, इसे बनाना भी इजी है और पीने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और साथ ही इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। इसे कोई भी एज वाले पी सकते हैं और आप इसे ज़रूर पीजिएगा, आपका यूरिक एसिड जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ये मैंने बहुत लोगों को इसको इस्तेमाल करते हुए देखा है और उनका यूरिक एसिड ख़त्म हो गया है। तो इसी वजह मैं ये रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ये किसी के भी काम आ सकता है। गाइज, अगर आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई यूजफुल सी वीडियो के साथ। ओके, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।